यूपी। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर में बद्रखा मोड़ पर रेलवे फ्लाईओवर के पास रोड पर जा रहे टेम्पो को ट्रक ने भीषण टक्कर मच दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दो महिलाओं की मौत हो गई, चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वे घायलों को गढ़मुक्तेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया, जहां पर दो युवकों की हालत को नाजुक होने के कारण उन्हें मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। मृतकों की पहचान कविता हाजीपुर व यास्मीन रतुपुरा के रूप में हुई व घायल आमिर रतुपुरा सनजना हाजीपुर के रूप में हुई। वहीं मेरठ रेफर किए गए एक व्यक्ति की पहचान बॉबी हाजीपुर थाना सिंभावली के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई थी। छह एक्सीडेंटल केस हैं, जिनमें से दो प्रोटेक्ट थे, दो को रेफर कर दिया और बाकी जो दो जैसे एक का हाथ का एक्सरे करा दिया और एक का दो। मतलब मृत्यु कितने की हुई है सर? मृत्यु दो, दो की मृत्यु हुई है। अच्छा, रथागढ़ की माई सर जी, और ट्रक वाले ने पीछे को साइड ना देख कर एकदम न्यूटन जो लिया, टेम्पो एकदम आया बड़ा। अच्छा, उसमें ऐसा हुआ था। अच्छा, उसमें कितने घायल हैं? उसमें छः घायल हैं जी, कुछ मर भी गए हैं जो भी है, और हॉस्पिटल में जाकर पता लगे। अच्छा, नाम पता है कुछ? नाम अटसैनी का है। ऑटो एक्सीडेंट किया और उसमें लगभग सात लोग सवार थे, जिनमें दो तीन की कैजुअलिटी हुई, बाकी जो है उसकी और बोर्ड जाकर देखते हैं क्या स्थिति है। ट्रक जो है कब्जे में ले लिया गया। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।